नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टेक डीआईवाई के प्लेग्राउंड सेशन में। आज का टॉपिक हमारा है हैंडलिंग एप्लीकेशन वाइड एक्सेप्शंस विद कंट्रोलर एडवाइस एंड एक्सेप्शन हैंडलर। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें हम वाइट लेबल एरर पेजेस को कस्टम एरर पेजेस से रिप्लेस करना बताएंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं ये हमने तैयार करने में हमको कुछ साइट्स की हमने मदद ली है, उनका रेफरेंसेस है विंस गुरु और हाउ टू डू इन जावा, और दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे और साथ ही की मोमेंट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट स्किप करके जहां आपको देखना है वहां जा सकते हैं। अभी चलिए हम एप्लीकेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम start.io में जाएंगे और यहाँ पर हमको एप्लीकेशन का नाम हम दे देंगे स्प्रिंग बूट एक्सेप्शन हैंडलिंग, और डिफॉल्ट्स ले रहे हैं ग्रेडल लिया है हमने, जावा लिया है, ग्रेडल लिया है, लॉम्बॉक डिपेंडेंसी में हमने लॉम्बॉक और स्प्रिंग वेब लिया है। अभी हम उसको अनजिप कर रहे हैं, अनजिप करके इंपोर्ट कर लेंगे अपने आइडिया में, इंटेलिजे आइडिया में, और वहां से फिर आगे हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी हमारा इम्पोर्ट हो गया है प्रोजेक्ट, अभी प्रेजेंटेशन व्यू में चलते हैं और साथ में हमारी जो साइट है वो खोल लेते हैं, रेफरेंस साइट्स खोल लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हम ये नहीं ऐड करते तो वाइट लेबल एरर पेज आता है और हमारा जो एक्सेप्शन है वो क्या एक्सेप्शन आया है वो देखने के लिए फिर हमें बैकएंड में जाके देखना पड़ता है। तो उसकी बजाय अगर हम प्रॉपरली एक्सेप्शन हैंडल करें तो एक गुड यूज़र एक्सपीरियंस जाता है कि आपको स्क्रीन पे ही आप उसका एक्सेप्शन आप बना के उसको बता रहे। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है कि और NFR में आता है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आता है कि आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपरली होना चाहिए। और तो यही चीज़ है। तो अभी हम पैकेज स्ट्रक्चर हमने बना लिया है, इसके अंदर हम अभी सर्विस बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे और कंट्रोलर, ये तीन पैकेजेस हम आज बनाएंगे इस प्रोजेक्ट में। सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडल बनाने जा रहे हैं, मॉडल के अंदर हम बनाएंगे क्लास ब्लॉग। हाँ, ये आज का जो यूज़ केस है ये वापस से ब्लॉग का है, तो ब्लॉग में हमारा लॉम्बॉक एनोटेशन हमने यूज़ किया है डेटा के लिए, मतलब गेटर सेटर्स के लिए, और ब्लॉग का आईडी, टाइटल और कंटेंट रहेगा। अभी हम इसके साथ हम एक ब्लॉग एक्सेप्शन मॉडल भी बनाएंगे, और वो ब्लॉग एक्सेप्शन मॉडल में हमको एरर कोड और एरर मैसेज शो करेगा। ठीक है, तो वो बना लेते हैं हम ब्लॉग पोस्ट एक्सेप्शन। तो ये हमारा एक दूसरा मॉडल है जिसमें हम एरर कोड और मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं। ये भी एक सिंपल, इसको आप एक सिंपल मॉडल की तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो वही सारे एनोटेशंस हमने लॉम्बॉक वाले यहाँ पे भी ऐड किए हैं, और अब हम बनाएंगे हमारा सर्विस। तो सर्विस अगेन एज पर द जैसा कि होना चाहिए, तो हम पहले एक सर्विस इंटरफेस बना रहे हैं, ब्लॉग सर्विस इंटरफेस, जिसमें हमारा गेट ऑल ब्लॉग्स और दो एंड पॉइंट्स हम इसके लिए आज के लिए बनाने जा रहे हैं। उन्हीं एंड पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिलेटेड मेथड्स हैं वो हम यहाँ पे ब्लॉग सर्विस में हमने ऐड किए, दो मेथड्स ऐड किए, गेट ऑल और दूसरा था गेट बाय आईडी। तो वही अभी हम यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिखने जा रहे हैं और इसको हम एनोटेट कर देंगे ऐड सर्विस से। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये हमारा इम्प्लीमेंट की मतलब इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने ऑल्ट एंटर किया था, तो ये सारे ये मेथड्स हमको आईडी ने बना के दे दिए, इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हम आगे लिखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉग के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए हम बैकएंड में कोई डेटाबेस वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं, सिंपल यहाँ पे एक लिस्ट बना रहे हैं और इस लिस्ट को हार्ड कोड करेंगे। पोस्ट कंस्ट्रक्ट पोस्ट कंस्ट्रक्ट होता है, ये क्या करता है कि पोस्ट कंस्ट्रक्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पोस्ट मतलब बाद में, कंस्ट्रक्शन के बाद हमको क्या करना है, अपनी क्लास बन गई है, क्लास बनने के बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद की जो स्टेप होती है वो एरेज को, जो भी फील्ड्स वगैरह उनको, उनमें वैल्यूज को पॉपुलेट करना, तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो एट द रेट पोस्ट कंस्ट्रक्ट में हम हमारी जो लिस्ट बनाई है हमने, हम उसमें कुछ डमी ब्लॉग्स ऐड कर रहे हैं। तो ब्लॉग वन, ब्लॉग टू, ब्लॉग थ्री, ये हमने ऐसे ही ऐड कर लिया यहाँ पे, और अब इसके बाद इनका यूज़ करेंगे हम
अब वो यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। हमारा यहाँ पे जो पहला मेथड है गेट ऑल ब्लॉक्स, इसमें हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे रैंडम में, ठीक है, और रैंडम नंबर से जो 0 से लगा के 10 के बीच में रैंडम नंबर हम आज जनरेट करने वाले हैं ये थ्रेड लोकल रैंडम नंबर जनरेटर से। ये भी एक रैंडम नंबर जनरेटर है, इसका यूज़ करके जहाँ कहीं हमको रैंडम नंबर चाहिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंट हम ले रहे हैं 0 से 10 के बीच में रैंडम नंबर, ये हमको जनरेट कर करके देगा। और अब क्या करेंगे, हमारा सिंपल सा लॉजिक है, हम ये कर रहे हैं कि अगर रैंडम नंबर जो है वो 5 से बड़ा है, 5 और 10 के बीच में है, तो आप एक्सेप्शन थ्रो कर दो मैन्युअली, ठीक है, और अदरवाइज अपन लिस्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो मतलब अगर हमने 10 बार कॉल किया तो 10 में से लेट सपोज कभी 3 बार ऐसा हुआ कि ये एक्सेप्शन थ्रो हो गया। और ये जो दूसरा मेथड है फाइंड ब्लॉक बाय आईडी, इसमें हम सिंपल लिस्ट और डॉट स्ट्रीम का यूज़ करें और फिल्टर्स लगाया है, फिल्टर में हमने एस डॉट गेट आईडी चेक किया है, अगर आईडी जो ऊपर से आ रहा है हमको वही है तो अदरवाइज रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर दो, तो वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। वो कोड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं इस कोड को पूरा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, और इसी के साथ अब इसके बाद आता है हमारा तो ये एक्चुअल में हम सेटअप स्टेज सेट कर रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन मैन्युअली एक्सेप्शंस थ्रो करें, उसके लिए हम स्टेज सेटअप कर रहे हैं आप कह सकते हैं। तो अब हम कंट्रोलर लिखने जा रहे हैं, और कंट्रोलर में आपको पता ही है कंट्रोलर से डेलीगेट होगा, मतलब कंट्रोलर से हम हैंड ओवर करेंगे अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ पे बैकएंड में सर्विस क्लास के पास, तो वही यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो अभी हम ब्लॉक सर्विस को ऑटो वायर कर दिया है अपने कंट्रोलर में, और यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स हम डिफाइन करने जा रहे हैं, एक स्लैश ब्लॉक स्लैश ऑल के लिए होगा जो अभी हम लिख रहे हैं गेट ऑल, और यहाँ पे सिंपली अपना गेट ऑल ब्लॉक्स वाला मेथड है वो कॉल कर लिया। ये गेट मैपिंग है तो एंड पॉइंट हो गया स्लैश ब्लॉक स्लैश ऑल, और दूसरे में हम आईडी पास कर देंगे तो हो जाएगा स्लैश ब्लॉक स्लैश आईडी बाय आईडी करके पाथ, और पाथ वेरिएबल में रिक्वेस्ट से आईडी उठा के पाथ वेरिएबल में डाल देगा, उसको हम एक्सेस कर लेंगे एट पाथ वेरिएबल से, वो हो ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम इसमें लिखते हैं एक कंट्रोलर और लिखते हैं, ये तो अपना नॉर्मल केस अभी तक जो हम करते आए हैं वो है, या नॉर्मल किसी भी प्रोजेक्ट में इतना तो करते ही हैं। अब इसके बाद एक्स्ट्रा जो करने वाले हैं वो हम इसमें कंट्रोलर एडवाइस में करेंगे। तो हमने एक और क्लास लिखी है ब्लॉग एक्सेप्शन कंट्रोलर, ठीक है, इसको हमने एनोटेट किया एट द रेट कंट्रोलर एडवाइस से, एनोटेट किया एट द रेट कंट्रोलर एडवाइस से, और एट द रेट एक्सेप्शन हैंडलर जो है ये जो एनोटेशन है स्प्रिंग की ये बताता है कि इसके अंदर जो हम क्लास पास कर रहे हैं अगर उस तरह के एक्सेप्शंस थ्रो हुए तो ये हैंडलर कॉल होगा और यहाँ पे जो लिखा है वो होना चाहिए, ठीक है, वही यहाँ पे हो रहा है। और ये जो एट द रेट कंट्रोलर एडवाइस है ये अपना एओपी बेस्ड एनोटेशन है, यानी कि जहाँ पे भी जिस भी कोड में जहाँ कहीं भी ये इशू आएगा एस्पेक्ट आएगा जहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है तो वहाँ पे हम वहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएगा इसके पास कंट्रोलर एडवाइस के पास और ये इन मेथड्स को यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो ये हमने दो एक्सेप्शन हैंडलर्स लिखे, एक एक्सेप्शन क्लास के लिए और दूसरा रन टाइम एक्सेप्शन क्लास के लिए। अभी हम इसको रन करके देखते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, कुछ फेलियर आया है, क्या फेलियर आया है। ओके, ये कह रहा है कि एसी 11 है जबकि 8 होना चाहिए। ओके, तो जब हमने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट इनिशियलाइजर से जब प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया था तो उस टाइम में हमने जावा लैंग्वेज लेवल सेलेक्ट नहीं किया था, वो 11 ही होता है डिफ़ॉल्ट, तो वही इसीलिए ये प्रॉब्लम आया था। अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं सर्वर स्टार्ट पे क्या बोलता है अब की बार। चलिए, तो जब हमने 111 पास किया है जो कि आईडी वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ पे 3 आईडी थे 101 102 103, ठीक है, तो 101 पे ये प्रॉपर दे रहा है और 111 पे ये हमको वाइट लेबल एरर पेज दे रहा है अभी अभी के लिए, क्योंकि हमने उसको एट द रेट कंट्रोलर एडवाइस को फिलहाल के लिए हटा दिया था। अब हम कंट्रोलर एडवाइस लगा के फिर इसको रीरन करेंगे,
ठीक है, तो अभी रीरन करने पे क्या होगा कि वो जो आईडी था, जो हमारा कस्टम एक्सेप्शन है, ये कस्टम एक्सेप्शन कहलाते हैं, जब हमारा आईडी है वो नहीं मिल रहा है डेटाबेस में, तो 404 की जगह यहाँ पे आना चाहिए जो हमारा मैसेज है, वो जो हमने ब्लॉग एक्सेप्शन करके जो मॉडल बनाया था जिसमें कि एरर और एरर कोड और एरर मैसेज पास करे थे। तो देखिए यहाँ पे ये एरर कोड और एरर मैसेज आ गया, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इस तरह से हमारा आप देख सकते हैं कि मतलब कितना इजीली एक सिंपल एक क्लास लिख के हमने एक्सेप्शन को पूरा हैंडल कर लिया। ये स्प्रिंग बूट का जादू है, मिनिमलिस्टिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। तो अभी अगला सेशन है जो जिसमें हम वाइट लेबल एरर पेज जो अभी शो हो रहा था उसको हम अब कस्टम पेजेस से रिप्लेस करेंगे, यानी कि कोई पर्टिकुलर एरर मैसेज है उसकी जगह अगर वाइट लेबल एरर पेज आ रहा है 404 या 500 के केस में, तो उस केस में भी हमारा वाइट लेबल एरर पेज की जगह एक कस्टमाइज्ड पेज आना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ अब हम यहाँ करने जा रहे हैं इस सेक्शन में। तो अभी जैसे ये आप देख सकते हैं, तो वाइट लेबल एरर पेज एक्चुअली स्प्रिंग प्रोवाइड करता है, डिफ़ॉल्ट एरर पेज होता है ये, कहीं पे भी कोई इशू आता है तो इस तरह से, और उसमें वो स्टेटस मैसेज और नॉट टाइप और मैसेज दोनों देता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक सिंपल टेस्ट कंट्रोलर ये लिखा हुआ है इस प्रोजेक्ट में हम वाइट लेबल एरर पेज जो है इसको रिप्लेस करेंगे कस्टम कॉन्फिगर्ड एरर पेजेस से। तो और इसके लिए हमने belding.com को रेफ़र किया इस चीज़ के लिए, ठीक है, इस प्लेग्राउंड सेशन के लिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये क्या बता रहा है, दोनों को साइड बाय साइड रख लेते हैं, अपने आईडी को और रेफरेंस साइट को। ठीक है, तो इस तरह से पहले हमको डिसेबल करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग वाइट लेबल एरर पेजेस को, और फिर हमको अपने एरर पेजेस HTML पेजेस बना बना के देने पड़ेंगे। जितनी भी स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस होती है उनमें ये एक नॉर्म होता है कि मतलब अपना वाइट लेबल एरर पेज की जगह किसी भी एरर के लिए अपना एक एप्लीकेशन का खुद का एरर पेज शो होना चाहिए, वो एक क्लाइंट को अच्छा भी लगता है। तो वो हमको करना पड़ेगा, उसके लिए हमको यहाँ पे build.gradle खोल के इसमें हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशंस में आए और यहाँ आके हमने डुप्लीकेट किया है उसको, और अब यहाँ पे हम थाइम लीफ को ऐड कर रहे हैं। थाइम लीफ को UI पार्ट के लिए ऐड करना पड़ता है बेसिकली। थाइम लीफ भी जैसे अगर आपको पता होगा टाइल्स, अगर आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में कहीं पे काम किया होगा, तो जो कि HTML की मैपिंग करता है स्ट्रिंग्स के साथ, यानी व्यू रिजॉल्वर का काम आपका ये यहाँ पे टाइम लाइफ कर रहा है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे करेगा। तो हमने टाइम लीफ यहाँ ऐड किया है डिपेंडेंसी में और इसको रीबिल्ड किया है, मतलब प्रोजेक्ट को जो डिपेंडेंसीज हैं उनको फिर से रीलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, तो वो इंटरनेट से रीलोड करके और बिल्ड करेगा प्रोजेक्ट को। अभी देखते हैं, इसको कंप्लीट होने देते हैं फिर आगे का करते हैं काम। बेसिकली ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है कि ये, और ये भी मतलब कस्टमर कभी ये रिक्वायरमेंट्स आगे बढ़ के बोलता नहीं है, लेकिन ये हमको कंसीडर करनी पड़ती है, और ये हमको कॉर्पोरेट जितनी भी एप्लीकेशंस रहती है उनमें हमें ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है। मतलब ये बातें वो हैं जो कही नहीं जाती लेकिन एक्सपेक्ट की जाती है। ठीक है, कि ये इतना तो ये करके देगा, इस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है। तो अभी हमने टेम्पलेट्स फोल्डर हमारा बन गया रिसोर्सेज के अंदर, और थाइम लीफ जो है वो इस टेम्पलेट्स फोल्डर से ही रीड करता है। ठीक है, अभी हम इसमें एक एरर पेज, ये जो hello.html पेज बना रहे हैं, इसमें सिंपल एक हेलो मैसेज हम शो करेंगे, और
दूसरा हम दो एरर पेजेस और दो पेजेस और एरर के लिए बना लेते हैं, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, HTML फाइल्स बना रहे हैं। पहली फाइल अपना ही सिंपल हेलो डॉट HTML है और दूसरी फाइल है एरर डॉट HTML, डिफॉल्ट एरर के केस में। होता क्या है कि स्प्रिंग बूट जो है वो स्लैश एरर पाथ के लिए एरर डॉट HTML नाम से फाइल ढूंढता है, ठीक है। अगर उसको एरर डॉट HTML नहीं मिलती है तो उस केस में वो स्प्रिंग बूट अपनी खुद की वाइट लेबल एरर पेज शो कर देता है, ठीक है। अगर अगर हमने खुद की एरर डॉट HTML डिफाइन की हुई है तो स्प्रिंग फिर उसको लेता है, उस मतलब हमारी वाली एरर डॉट HTML को लेता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक एरर कस्टम एरर पेज बना रहे हैं जो कि सिंपली हमको बोलेगा कि भैया कुछ भी बैकएंड में कुछ इश्यू आया है और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वी आर लुकिंग इन टू इट। तो ये सिंपल मैसेज हमको अपना HTML में यानी ब्राउजर पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम उसको और कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, एरर डॉट HTML बनाया, अभी किस पर्टिकुलर एरर के केस में हमको कौन सा पेज शो करना है वो भी हम, तो उसके दो फ्लेवर हम यहाँ दे रहे हैं, एक 404 के केस में और एक 500 के केस में। हम चाहें तो सेम पेज भी हो सकता है, उसमें एरर मैसेजेस हम डिफरेंट पास कर सकते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है और वो हमने थाइम लीफ में कवर भी किया है, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं, 404 के केस में नॉट फाउंड वाला एक्सेप्शन होता है, तो वो यहाँ पे हम H2 में दे देते हैं। आई थिंक मैसेज तो सेम ही रहने देते हैं, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, या नॉर्मली यूजर्स को या एंड यूजर्स को डिटेल्स नहीं बताई जाती है, वो डिटेल्स लॉग में डाली जाती है, लॉगिंग में डाली जाती है। तो जो डेवलपर्स हैं या जो भी प्रोडक्शन सपोर्ट वाले हैं वो उस एरर वो लॉग्स को देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस टाइम पे क्या एरर आई थी। तो क्लाइंट को दिखाने के लिए हम सिंपल ये मैसेज शो कर देंगे, सेम वही सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कॉज्ड और एरर 404 के केस में ये आ जाएगा। और इसी तरह से ये हमारा कंट्रोलर है, रेस्ट कंट्रोलर है, थाइम लीफ है, तो हमको यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर की जगह हम इसका MVC के लिए एड कंट्रोलर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एड कंट्रोलर यूज़ किया, गेट मैपिंग वगैरह ये सब ठीक है चलेगा। और साथ में जैसा कि मैंने बताया थाइम लीफ है तो हमको रिटर्न में स्ट्रिंग भेज रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग की जगह हमको पेज का नाम भेजना पड़ेगा। तो पेज का नाम क्या था, हेलो डॉट HTML बनाया था हमने। तो ये सिंपल है कि गेट टू शो समथिंग, जब स्लैश अगर कोई दे रहा है एंड पॉइंट, स्लैश एंड पॉइंट को अगर हम ब्राउजर से कॉल कर रहे हैं तो हेलो पेज लोड करके दिखा दो, ये सिंपल सा फंडा है इस कंट्रोलर में, ठीक है। तो यहाँ से वो हेलो हेलो डॉट HTML को लोड करके दिखा देगा। और ठीक है, तो थाइम लीफ क्या करता है, ये जो हेलो स्ट्रिंग उसको मिलता है उस हेलो स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग HTML टेम्पलेट देखता है कि भैया टेम्पलेट्स के अंदर इस नाम से कोई फाइल है क्या। अगर उसको मिलती है फाइल तो उसको रेंडर करने का काम थाइम लीफ कर लेता है। अगेन ये भी एक मिनिमलिस्टिक कॉन्फ़िगरेशन है थाइम लीफ की भी, काफ़ी कम कॉन्फ़िगरेशन में आप थाइम लीफ के थ्रू UI बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम ऐप एरर कंट्रोलर लिखने जा रहे हैं और ये ऐप एरर कंट्रोलर जो है ये भी एक वाइट लेबल को जब रिमूव करते हैं तो हमको ये करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली ये बता रहे हैं कि जब भी ऐप में कोई एरर आएगी तो हमारा ये पर्टिकुलर जो कंट्रोलर है वो एरर आने पे ये कंट्रोलर सॉरी, तो ये कंट्रोलर हमारा आना चाहिए, मतलब ये उसको इंटरसेप्ट करके इसके पास हैंड ओवर हो जाएगा, ठीक है, अगर कोई एरर आती है तो। अभी देखते हैं लेफ्ट में इसने कैसे बताया, इसको कैसे यूज़ करने का है। तो ये बोल रहा है कस्टम एरर कंट्रोलर हम लिखते हैं, इम्प्लीमेंट्स एरर कंट्रोलर। ये एरर कंट्रोलर जो है ये स्प्रिंग बूट का क्लास है, तो वो हम
ऐड करते हैं सर्वलेट डॉट एरर कर, ये है फ्रेमवर्क स्प्रिंग वेब सर्वलेट एरर कंट्रोलर। ठीक है, ये इंटरफेस हमने ऐड कर दिया, इम्प्लीमेंट्स में डाल दिया और इसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ऑल्ट एंटर से। ठीक है, ऑल्ट एंटर से इम्प्लीमेंट कर दिया, तो इसमें एड एरर पाथ जो है यही एक मेथड है जो उसमें से आ रहा है, एरर कंट्रोलर से आ रहा है। ठीक है, गेट एरर पाथ, अब इस गेट एरर पाथ में हमको एरर पाथ देना पड़ेगा। एरर पाथ बोले तो एरर पाथ का मतलब है कि जो हमारा डिफॉल्ट एरर पाथ है, ठीक है, वो हम यहाँ पे देंगे। पहले हम अपने मैपिंग्स लिख लेते हैं उसके लिए, तो हमारी स्लैश एरर मैपिंग रहेगी। ठीक है, स्लैश एरर मैपिंग में हम ये मेथड लिख लेते हैं, तो ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड लेफ्ट साइड में ये बोल रहा है कि हैंडल एरर करके हम मेथड बना लेते हैं। क्या नाम दें, चलिए हैंडल एरर ही रख लेते हैं इसका नाम, या क्या, चलिए इतना क्या सोचना है, हैंडल एरर ही रख लेते हैं। एक्चुअली हमें ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, मतलब जो भी हम वेरिएबल का नाम देते हैं या फंक्शन का नाम देते हैं वो पूरी एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, हम कुछ भी नाम दे देंगे तो ऑल्दो हमको आईडी मना नहीं करेगा कुछ भी नाम देने से, लेकिन जब हम हमारा कोड कोई और पढ़ेगा तो वो कोड रीडेबिलिटी नहीं आती है। ठीक है, तो उसको बेचारे को समझना पड़ेगा कि भाई ये क्या लिख दिया है यहाँ पे, कि ये फंक्शन क्या करने वाला है। तो हमारा जो नाम है फंक्शन का वो इस तरह से होना चाहिए कि वो बताए कि इस फंक्शन में क्या होने वाला है। अब जैसे हैंडल एरर है ये ज़्यादा सही है, ये बोलता है कि इस फंक्शन में हम एरर को हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम वही करने वाले हैं, तो वही कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, हैंडल एरर के अंदर स्लैश एरर जब हो, गेट मैपिंग में स्लैश एरर पाथ पे अगर हम एरर पाथ पे अगर हम आते हैं तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हैंडल एरर मेथड आ रहा है और सर्वलेट रिक्वेस्ट हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और उसको हम स्टेटस, जो भी स्टेटस है रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट से उसका एरर स्टेटस निकाल लेंगे और देखेंगे अगर स्टेटस नल नहीं है, मतलब स्टेटस में कुछ वैल्यू है तो उस स्टेटस को स्टेटस कोड में ले लो और तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, स्टेटस कोड में ले लेंगे। आई थिंक फर्दर हम उसको फिर जैसा यहाँ लेफ्ट साइड में इसने बताया कि जो एरर पेज हम जोड़ने वाले हैं, शो करने वाले हैं, वो इस स्टेटस कोड के हिसाब से होगा। ठीक है, कि अगर स्टेटस कोड जो है वो 500 है या नॉट फाउंड है तो अलग करो, और अदर इंटरनल सर्वर एरर है तो उसमें अलग करो। तो 404 के केस में ये दे देगा हमको, 404 के केस में नॉट फाउंड के लिए जो देना है, तो एरर पेज हम लोड कर लेंगे अपना एरर डैश 404। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे इसने दो ही कंडीशन दी है, दो ही स्टेटस कोड दिए हैं। हम चाहें तो जितने भी स्टेटस कोड वहाँ पे शो करता है, अगर आप देखेंगे HTTP स्टेटस डॉट, तो उस डॉट में कई सारे स्टेटस शो करता है, तो हम उसको अपने कोड को उस तरह से लिख सकते हैं हर एक के लिए कि भाई किस केस में क्या हो, या तो, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि एक ही कॉमन बना सकते हैं और उसमें वो एरर कोड पास कर दें। ठीक है, तो हम अपने एरर पेज को किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हमारा जो मेन फोकस था वो वाइट लेबल को हटा के कस्टम एरर पेज कैसे होता है वो शो करना था, इसलिए हमने मल्टीपल एरर पेजेस ले लिए, तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो अभी अगर इंटरनल सर्वर एरर आता है तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे एरर डैश 500। दो पेजेस हमने बेसिकली इनिशियली बनाए थे, तीन बनाए थे, एक सिंपल एरर, एक 404 और एक 500। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक एरर है तो वो 404 और 500 वाले आ जाएंगे, अदरवाइज इनमें से अगर कोई एरर कोड नहीं है तो अपना एरर पेज जो हमने बनाया था सिंपल वो लोड हो जाएगा। तो वो तीनों पेजेस के आप रेफरेंसेस यहाँ देख पा रहे हैं। थाइम लीफ जो है, फिर अगेन थाइम लीफ जो है इनसे रिजॉल्व कर लेगा टेम्पलेट्स को और टेम्पलेट्स को रेंडर करवाने का काम स्प्रिंग को बोल देगा कि भैया ये रेंडर करो, व्यू रिजॉल्वर का जो काम रहता है वो कर देगा। ठीक है,
एमवीसी में, ठीक है। तो इस तरह से हम वाइट लेबल एरर को हटा सकते हैं। अभी जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो है ये अपना नॉर्मल वाला एरर डॉट एरर पेज है, तो इसमें हम सिंपल एचरेफ दे सकते हैं। वापस से एरर पेज आ गया तो वहाँ पे हम एचरेफ दे देते हैं स्लैश का। स्लैश का अगर आपको याद हो तो जो अपना होम पेज है हेलो डॉट एच टी एम एल, वो पेज यहाँ से वापस आ जाएगा। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं, तो दोनों जगह दोनों तीनों में हमने वही किया है, मतलब दोनों ही एरर पेजेस में हमने वही किया है कि हमने एंकर डाल दिया है होम पेज के लिए। आई थिंक अभी हम 500 के लिए भी पेज बना रहे हैं। तो ये फंडा होता है बेसिकली स्प्रिंग बूट में वाइट लेबल एरर पेज को हटाने का और इस तरह से कस्टम अपने पेजेस को डालने का। नॉर्मली ये कब किया जाता है, जब हम अपना जब हमारी यूआई भी होती है, अगर अगर ये यूआई की जगह सिंपल अपना पोस्ट पोस्टमैन के थ्रू इसको कॉल कर रहे होते तो ये वाइट लेबल की शो नहीं करता है। वाइट लेबल की जगह हमको प्रॉपर स्टेटस कोड, एरर कोड और स्टेटस कोड वगैरह प्रॉपरली शो होता है, क्योंकि हम ब्राउज़र से हिट करके देख रहे हैं तो इसलिए हमको वाइट लेबल एरर पेज शो हो रहा है। तो नॉर्मली ये फंडा रहता है, मतलब इस तरह से हैंडल किया जाता है। ये स्पेसिफिकली उन एप्लीकेशन के लिए जहाँ पे बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों है, ठीक है। अभी अपने सर्वर को बाउंस करते हैं, ये सर्वर रेडी है हमारा बाउंस होने के लिए, ठीक है। और ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी ठीक है, टाइम लीफ हमने ऐड किया था, टेम्पलेट्स हमने ऐड किए थे, टेम्पलेट्स ऐड किए थे और एक उसमें, तो बेसिकली कोड के लिए आप इस वीडियो को कहीं पे भी पॉज करके आप अपना कोड लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। अदरवाइज जो रेफरेंस में जो साइट्स वगैरह बताई है मैंने, उन साइट्स पे भी आप जाके कोड देख सकते हैं। मैंने एग्जैक्ट रेफरेंसेस दिए हैं उसमें, और तो एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन, सब कुछ सही लग रहा है। अब देखते हैं उसको आगे रन करके। तो ये हमारी मैपिंग्स हो गई, ये कंट्रोलर हो गया, एरर पाथ जो कि एरर कंट्रोलर का मेथड है उसको इम्प्लीमेंट किया है हमने। और वी हैव टू क्रिएट अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स एरर कंट्रोलर इंटरफेस, तो वो हमने कर दिया था। रिटर्न ए कस्टम पाथ टू ऑल टू कॉल व्हेन एन एरर अकर्ड, तो हाँ, तो ओवरराइड भी कर दिया था। एक बार इसको रन करके देखते हैं मेथड को। हमारा सर्वर बिल्ड हो गई है सक्सेसफुल, अभी देखते हैं आगे सर्वर रन होने दे, फिर इसको देखते हैं। अगर सब कुछ सही रहा, अगर सब कुछ सही रहता है तो हमको दो चीज़ें होगी। पहली तो ये कि हमको एरर के केस में वाइट लेबल की जगह हमको अपना प्रॉपर पेज लोड होगा, एरर पेज लोड होगा, ठीक है। अगर 404 है तो मैसेज 404 के साथ, 500 है तो 500 के साथ, जैसा भी हमने कस्टम पेज बनाया उस हिसाब से मैसेज हमारा शो हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि प्रॉब्लम इनिशियली कि हमने मतलब जब टाइमली फैड करने के बाद बिल्ड किया था तो वहीं से रन किया था, आईडी से ही रन किया था, तो उसने वो फाइल सेलेक्ट कर ली थी। तो हमने जब ग्रीन प्ले बटन पे क्लिक किया तो उसने वो फिर से बिल्ड करके रुक गया, तो इसीलिए अभी सर्वर हमने फिर से रिस्टार्ट किया है। अब सर्वर रिस्टार्ट हुआ है, अब देखते हैं क्या। ओके, हमारा हेलो पेज लोड हो रहा है। अभी एरर पेज एक्सेप्शन कॉल या एरर पेज लाने की कोशिश करते हैं। 45/ ये है नहीं तो ऑब्वियसली नॉट फाउंड के लिए यहाँ पे हमने ये मैसेज दे दिया है, नॉट फाउंड के केस में ये हमको वो मैसेज प्रॉपरली शो कर रहा है, ठीक है। तो 404 के केस में यहाँ पे ये शो हो रहा था। इसको हम और भी कस्टमाइज कर सकते थे
कि भाई ये 404 के लिए है या 500 के लिए, वो और ज़्यादा कस्टमाइजेशन हम कर सकते थे यहाँ पे। अभी हम सिंपल एक रॉन्ग इनवैलिड पाथ देते हैं, तो ये हमने 404 आ गया क्योंकि वो पाथ पे कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो वो यहाँ शो हो गया। तो इसी तरह से हमारा सेशन ख़त्म होता है। बने हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्या बोलूँ, ज़िंदगी का आनंद लें भरपूर और सीखते रहें। खत्म, बाय बाय, टाटा।